आज सुबह आईटी और ईडी की रेड की खबर से शुरू हुई। बेरमो विधायक अनूप सिंह के बेरमो आवास और पटना आवास पर आईटी की टीम पहुंची। छापेमारी के लिए आईटी टीम की तरफ से एक टोकोया इनोवा भी साथ में गई थी। आया जा रहा है कि इस गाड़ी का नंबर J0L5626 है। गाड़ी किसी दिनेश महतो के नाम पर है, जो कि सेकेंड ऑनर है। जैसे ही यह गाड़ी बेरमो विधायक के आवास पर लगी तो वहां मौजूद पत्रकारों के बीच गाड़ी चर्चा का विषय बना। दरअसल बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के शीशे पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। चर्चा होने के बाद आईटी टीम में शामिल कुछ अधिकारियों ने आनंद फानंद में स्टिकर निकाला, लेकिन स्टिकर निकालते हुए पत्रकारों ने तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ ने बकायदा पूरे वारदात की वीडियो भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। बेरमो विधायक के आवास पर आईटी की रेड की खबर पाते ही काफी संख्या में उनके समर्थक और लोग पहुंचे हैं। आवास के बाहर ईडी या आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर लोगों में संदेह बरकरार है। उनके समर्थक व कांग्रेसी नेतागण इस छापेमारी को लेकर भाजपा की साजिश बता रहे हैं। मोदी सरकार और ईडी व सीबीआई के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी की आवाज सुनकर पूर्व मंत्री स्वराजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी सह बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की माता रानी सिंह बाहर निकलकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस कार्रवाई से उनके परिवार को कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग को सूचना मिला है कि माननीय विधायक जी के घर पे आईटी का रेड पड़ा है, लेकिन हम लोग के आने के बाद जो आईटी के लोग आए हैं अधिकारी, उनका एक इनोवा गाड़ी जो यहाँ पे अभी भी खड़ी है और उस गाड़ी में बीजेपी का विधानसभा का कार पास लगा हुआ है, जो कि सारे मीडिया के सामने उस स्टिकर को उतारा गया है। निश्चित रूप से पहले से भी ये चला देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के खिलाफ में बोलते हैं, जो अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम कर रहे हैं, गरीब गुरुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये पसंद नहीं आता है कि कोई विधायक एक साल में डेढ़ साल में इस तरह से विकास करे। हमारे माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे इकट्ठित है। आईटी का रेट पड़ रहा है, हम लोग ठीक है, शांतिपूर्वक यहाँ पे हम लोग खड़े होकर उस चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो एक साजिश बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा था, निश्चित रूप से गाड़ी से सिद्ध होता है। इसमें स्टिकर लगा करके और सरकारी अधिकारी हमारे माननीय विधायक जी के घर पर रेड मारने आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और इसका हम लोग विरोध करते हैं कि अगर किसी साजिश के तहत हमारे विधायक जी पर किसी तरह का आरोप ये लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बेरमो की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।